हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट फोर। पार्ट फोर में हम देखेंगे ओमेगा क्या होता है और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं ओमेगा क्या होता है। इससे पहले हम देखते हैं कि ओमेगा आया कहाँ से। अगर मैं 1 का क्यूब रूट करता हूँ, क्यूब रूट जैसे स्क्वायर रूट होता है 1/2, ऐसे ही क्यूब रूट होता है किसी की पावर 1/3 कर देना। मैं यहाँ पे 1 का क्यूब रूट करता हूँ और इसको x के बराबर ले लेते हैं। फिर मैंने इसको साइड में सोल्व कर रखा है, यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब x की क्या पावर क्या है, 3 है, तो x की पावर 3 है तो इसके 3 रूट आएंगे, यानी कि x की 3 वैल्यूज आएंगे। इसको सोल्व करने के बाद इसको मैंने सोल्व किया तो x की 3 वैल्यूज आई। क्या क्या वैल्यू आई, 1 और एक ये और एक ये। जो x की ये वैल्यू है इसको हम बोलते हैं ओमेगा और इस वैल्यू को हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है भी ये वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास 3 वैल्यू आई एक्स की, एक तो 1, एक -1 √3 √2 और एक -1 √3 √2। इसको हम बोलते हैं ओमेगा और इसको हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इन 3 वैल्यूज़ के बीच में जो आपके 3 रूट आए हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मेरा 0 और ओमेगा क्यूब होता है 1। तो मेरा आज का टॉपिक है व्हाट इज ओमेगा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं 2-3 रिलेशन और बना सकता हूँ। जैसे अगर मैं 1 प्लस ओमेगा को इस तरफ रखूँ तो उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्केयर एक ही हो गया। अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर को इस तरफ रखूँ तो उधर जाके माइनस ओमेगा और एक ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर माइनस 1, यानी कि 3-4 रिलेशन मेरे पास आ गई। इससे रिलेटेड मैं ओमेगा से रिलेटेड कितने भी टाइप के क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, मान लो मेरे पास -1 प्लस √3 √2 की पावर 27, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 1 -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब -1 प्लस √3 √2 इसकी वैल्यू क्या ओमेगा, यानी कि इसी जगह पे मैं ओमेगा लिख सकता हूँ। हाँ जी लिख सकते हैं। तो ओमेगा की पावर क्या हो गया, 27। ठीक है दोस्तों, ओमेगा की पावर क्या हो गया, 27। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं ओमेगा 3 की पावर 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा, ताकि मैं यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर सकूँ। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1, तो 1 की पावर 9 क्या होता है, 1 ही होता है। तो मेरा ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, इसकी पावर आ गया 29, -1 प्लस √3 √2 की पावर आ गया 29। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। अब इसको -1 प्लस √3 √2 इसकी वैल्यू क्या, ओमेगा, ओमेगा की पावर 29 लिख सकता हूँ। हाँ जी लिख सकते हैं। अब मुझे इसको 3 की पावर की फॉर्म में बनाना है। अब 29 है जो 3 का मल्टीपल नहीं है, और 29 के पास ऐसी वैल्यू देखो जो 3 की मल्टीपल है, वो क्या है, 27। यानी कि 29.27 इंटू ओमेगा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको 3 की पावर 9 लिख सकता हूँ और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है दोस्तों, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1,
1^9 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। तो ये सोल्व करके आ गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, मेरे पास क्या आ गया राइट आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया और यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, मान लो आ गया 33। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कैसे करेंगे, अब मैं देखूँगा ये वाली वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की, यानी किसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ओमेगा की पावर 66। आगे फिर इसको 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना, अब 66 है जो वो 3 का मल्टीपल ऑलरेडी है, तो इसको मैं 22 लिख सकता हूँ। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1, और 1 की पावर 22, तो अगेन क्या आ जाएगा मेरे पास, ए क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक जो 3 का मल्टीपल नहीं है वो लिखते हैं, मान लो 35 आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर, अब ये क्या है ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिखूँगा, इसकी पावर क्या है 35, और मल्टीप्लाई करूँगा ओमेगा की पावर क्या आ गया 70 आ गया। ठीक है दोस्तों, ओमेगा की पावर 70 आ गया, तो ओमेगा की पावर 70 के पास जो 70 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, पर 70 के पास जो 3 का मल्टीपल है वो क्या है 69। ओमेगा की पावर 69 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं इसको ओमेगा 3 की पावर 23 लिख सकता हूँ, हाँ जी ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 की पावर 23 इंटू ओमेगा। तो इसको सोल्व किया मेरे पास क्या आ गया ओमेगा, यानी कि मेरा सी क्या आ गया मेरे पास राइट आंसर। आइए और क्वेश्चन करते हैं ओमेगा से रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास -1 √3 / 2 की पावर 52 प्लस -1 √3 / 2 की पावर 52। ये क्वेश्चन कैसे करना है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। -1 √3 / 2 की वैल्यू क्या है ओमेगा, यानी कि इसकी जगह पे क्या आ गया ओमेगा की पावर 52 प्लस इसकी वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ गया 52। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा 104, ओमेगा की पावर 52 को फिर 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, ओमेगा पावर 52 3 का मल्टीपल नहीं है, तो उसके पास 3 का मल्टीपल क्या है 51 लिख सकते हैं ऐसे, हाँ जी लिख सकते हैं। 104 3 का मल्टीपल नहीं है, पर इसके पास है 102 है जो 3 का मल्टीपल होता है, इसको मैं 3^17 लिख सकता हूँ, 17 = 51 इंटू में ओमेगा प्लस में ओमेगा की पावर 102 को ओमेगा की पावर 3 की पावर 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 12 इंटू में ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हैं। ओमेगा 3 की वैल्यू 1 की पावर 17 इंटू ओमेगा एज इट इज प्लस यहाँ भी वैल्यू 1 की पावर 34 इंटू ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। तो मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आ गया -8 और यहाँ पे भी क्या आ गया -8, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाए ए बी सी और डी, 1 - 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। अब ये वैल्यू किसकी है ओमेगा की, यानी किसकी जगह पे ओमेगा मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर -8 प्लस ये वैल्यू किसकी है ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -8। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा की पावर -8 प्लस 8 × 2 = 16। ठीक है दोस्तों,
अब मुझे इसको 3 की फॉर्म में लिखना है। अब 8 है जो 3 का मल्टीपल नहीं है, पर 8 के पास 3 का मल्टीपल क्या है, 6 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेस सेम में पावर जुड़ जाएंगी, प्लस सेम इसको भी मैंने ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि जो 15 है वो 3 का मल्टीपल है। उसके बाद ओमेगा माइनस 2 एज इट इज, ओमेगा माइनस 6 इसको मैं 3 की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6, ये चीज आएगा ओमेगा की पावर माइनस 1। इसको 3 की पावर माइनस 5 लिख सकते हैं, 5 से 15, ठीक है दोस्तों। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा की पावर माइनस 2, यहाँ 1 की पावर क्या है माइनस 2, प्लस में ओमेगा की पावर माइनस 1 और 1 की पावर माइनस के 5, ठीक है दोस्तों। 1 की पावर कुछ भी करें 1 ही होता है, तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास, ओमेगा की पावर माइनस 2 प्लस ओमेगा की पावर माइनस 1। तो ये सॉल्व करके ये आया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं 1 बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो इसको सोल्व किया, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ बचा ओमेगा, ठीक है दोस्तों। और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस के ओमेगा स्क्वायर, और नीचे भी क्या ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ कट गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस के 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे माइनस 1 प्लस रूट 3 अल्टा बाई 2 की पावर 4 है, ठीक है दोस्तों। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। माइनस 1 प्लस रूट 3 अल्टा बाई 2, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू, यानी कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को कैसे लिखना है, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में, और इसके पास 3 का मल्टीपल क्या है, 3 खुद है। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से 1 इंटू में ओमेगा, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, ओमेगा। तो मेरा बी क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछे जा सकते हैं इससे, जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास, 1 प्लस ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, इससे ये कट गया, और माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 की पावर ओड नंबर है, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, क्या आ जाएगा, माइनस 1। और क्वेश्चन देखते हैं कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या है, 6 है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी, 64, 8, माइनस 64 और 0, ठीक है दोस्तों। कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको एज इट इज रहने देते हैं कि पावर 6, ठीक है दोस्तों। माइनस माइनस प्लस निशान साइन का, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया कि पावर क्या है, 6, ठीक है दोस्तों। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, माइनस 2 की पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, और माइनस 2 की पावर 6 क्या होता है, 64, ये क्या बन गया, ओमेगा की पावर क्या बन गया, ये 12, ठीक, 64, ओमेगा की पावर 12 क्या, 3 का मल्टीपल है, 3 की पावर 4 लिख दिया, 64, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 की पावर 4, तो 1 ही होता है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ए क्या आ गया मेरा, राइट आंसर। तो मेरा 64 क्या आ गया, राइट आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जैसे आ गया मेरे पास क्वेश्चन, ओमेगा क्यूब बाय आइटा की पावर 30, ये क्वेश्चन कैसे करना है, आइए देखते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय आइटा की पावर
13, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको मैं 1/r^13 लिख सकता हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट वन में करवाया था, कैसे सोल्व करते हैं इसको। अगर मैं आटा से मल्टीप्लाई आटा से डिवाइड कर दूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर आटा नीचे बेस से मैं पावर जुड़ गई तो आटा की पावर 14 हो गया। आटा आटक पर 14 को आटा स्क्वायर की पावर 7 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं आटा। और आटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1/7 आटा, और -1/1 एक है ओड नंबर है तो ये क्या जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -8। ये कैसे सॉल्व होते हैं ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट वन में अच्छी तरह समझाया था। तो आई होप आपको ये ओमेगा क्या होता है और इससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं समझ आया होगा। थैंक यू।